दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के स्मैकडाउन के प्रीव्यू की कि यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। और WWE का यह स्मैकडाउन का एपिसोड है, एक स्पेशल एपिसोड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक लंबे वक्त के बाद रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर ट्रिपल एच की एंट्री देखने को मिलेगी और इसके अलावा भी कई सारे मुकाबले हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके चलते स्मैकडाउन का ये एपिसोड है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, स्मैकडाउन का आज का एपिसोड द ब्लड लाइन के आगे की स्टोरी लाइन की दशा और दिशा दोनों तय करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न स्मैकडाउन के इस एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। आज तक हमने देखा था कि द ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है बिना किसी लीडर के चल रही है, क्योंकि यहाँ पर पॉल हेमन रोमन रेंस के निर्देश से स्मैकडाउन में काम कर रहे थे। लेकिन आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें रोमन रेंस खुद रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में स्मैकडाउन का ये एपिसोड अपने आप में बेहद ही खास हो जाता है और स्मैकडाउन के आज के एपिसोड से हमें द ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन की सही दिशा का पता चलने वाला है, क्योंकि अभी तक रोमन रेंस स्मैकडाउन में नहीं थे और ना ही ब्लड लाइन के साथ में नजर आ रहे थे। ऐसे में ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है रैंडमली चल रही थी, कभी जॉन सीना और एले नाइट के साथ तो कभी द जजमेंट डे के साथ। द ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है वो चल रही थी, लेकिन यहाँ पर आज से प्रॉपरली द ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन आगे बढ़ने वाली है और यहाँ पर रोमन रेंस आने के बाद द ब्लड लाइन की हार के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि हमें WWE के पिछले PPV फर्स्ट लाइन में जॉन सीना एंड एले नाइट के खिलाफ देखने को मिली थी। इसके बाद यहाँ पर दो चांस ये हो सकते हैं कि जॉन सीना और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन यहाँ से आगे देखने को मिल सकती है, या फिर रोमन रेंस और एले नाइट की स्टोरी लाइन है आगे बढ़ने वाली है। अगर जॉन सीना स्मैकडाउन के एपिसोड में नजर आते हैं तो निश्चित रूप से इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि स्मैकडाउन के इस एपिसोड से जॉन सीना और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन की शुरुआत देखने को मिलेगी और जो कि आगे चलकर सर्वाइवर सीरीज या फिर रेसलमेनिया तक आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रिपल एच भी WWE के इस एपिसोड में नजर आने वाले हैं। ऐसे में यहाँ पर ट्रिपल एच की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है वो देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आपके क्या है ओपिनियन इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।